हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश जयकर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ की काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि है ट्रिग्नोमेट्री, इसका हिंदी मतलब होता है त्रिकोणमिति। देखिए, इसके नाम से ही हम समझेंगे इसका अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति मतलब क्या, त्रिकोण मतलब क्या, जिसमें तीन गो कोण होना चाहिए, साथ ही साथ एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। आइए हम इसको एक फिगर के हेल्प से समझते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी। देखिए, जो तीन को कोण हुआ, और देखिए ये जो कोण होगा, ये कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक। देखिए, 90 डिग्री के सीधे सामने वाले जो होगा, 90 डिग्री के सीधे सामने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और जो खड़ा रहता है ना, उसको हम कहते हैं प्रीपेंडिकुलर। और जो ऐसे रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको बेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर कई सारे स्टूडेंट्स का विकेट गिर जाता है, क्योंकि उसको यह नहीं पता रहता है कि प्रीपेंडिकुलर कब और बेस कब। देखिए, जब आप C से देख रहे हैं तो यह खड़ा हुआ, मतलब क्या, यह प्रीपेंडिकुलर हुआ। लेकिन जब आप A से देखिएगा, A पॉइंट से, तो यह खड़ा होगा, तो यह प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। देखिए, हमने लिखा सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मतलब क्या, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि देखिए, तीन भाई था जिसका नाम था साइन, कॉश और टेन। तीन भाई था और तीन एक कहानी पढ़ता था, कहानी का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोर। वह तीन एक कहानी पढ़ता था जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोर। इसी से देखिए, साइन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी बाई एच। कॉश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी बाई एच। और टेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी बाई बी। अब आपसे कोई कहेगा साइन किसको कहते हैं, तो देखिए, प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन। बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कहते हैं कॉस। और प्रीपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को कहते हैं हम टेन। देखिए, इस तीनों भाई का तीन बेटा हुआ, सबका एक एक बेटा। देखिए, साइन का जो बेटा होगा उसका नाम हो जाएगा कॉसेक, सी ओ एस ई सी, कॉसेक। और कॉस का जो बेटा हो जाएगा उसका नाम होता है सेक। और टेन का जो बेटा होगा उसका नाम होगा कॉट। अब देखिए, यह तीनों क्या पढ़ता था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोर। लेकिन उसका बेटा क्या करेगा, उल्टा पड़ेगा। उसका बेटा बोलेगा हरी हरी बोर पंडित बद्री प्रसाद। अब देखिए यहाँ से, देखिए, जैसे कौशिक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच बाई पी। सेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच बाई बी। और कॉट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी बाई पी। देखिए, और एक ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच। तो साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉसेक का, एच बाई पी। कॉस का होता है बी बाई एच, तो कॉस का डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा सेक, एच बाई बी। और देखिए, टेन का होता है पी बाई बी, तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। आई होप आप लोगों को यह ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।